तो जैसा कि आज हम बात करेंगे एसएससी पेज 12 वैकेंसी की बात, तो काफी लंबे समय के बाद आपके वापस न्यू एग्जाम का शेड्यूल आपके नोटिस आ चुका है, तो कल की डेट में आया था। फिलहाल हम बात करेंगे कि आपके एग्जाम डेट क्या जाने वाली है और आपके एडमिट कार्ड आपको कब तक देखने को मिलेंगे। और इस एग्जाम में आपके पास कॉम्पिटिशन वेरी हाई रहने वाला है, क्योंकि तो अब की बार पिछले लगभग 4-5 साल से लगभग लगातार, यानी कि अब की बार लगभग पिछले सालों मुकाबले लगभग 3 गुना फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, तो कंपटीशन बहुत ही टफ रहने वाला है। तो चलते हैं कि एग्जाम का नोटिस है, तो एग्जाम के नोटिस को मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसा कि आपके सिलेक्शन पोस्ट की आपके एग्जाम डेट आपकी 20 जून, 21 जून, 24 जून, 25 जून और आपके 26 जून, यानी कि 5 दिन आपके ये एग्जाम चलने वाले हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आपके फोर्थ शिफ्ट में, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके 10th, सेकेंड शिफ्ट में आपके 12th और थर्ड शिफ्ट में आपके ग्रेजुएशन और वापस आपके फोर्थ शिफ्ट में आपके 10th। इस तरह से आपके एग्जाम का शेड्यूल बना रहेगा। जिसने भी आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन तीनों में फॉर्म का अप्लाई किया था, आपके तीनों के अलग अलग आपके एग्जाम होंगे। और एडमिट कार्ड आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो एडमिट कार्ड आपको 10 जून के बाद आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलने को मिल सकता है, यानी कि सभी का एक साथ ही आपके जारी होगा, जिसमें आप चेक कर पाएंगे कि आपकी एग्जाम सिटी कौन सी है और आपके एग्जाम किस डेट को रहने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगेगा, आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक करना, आगे भी आपको न्यू न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।